क्वेश्चन नंबर 13, 13 भी सेम इसी तरह ही है, उसमें भी आपने कांस्टेंट वैल्यू जो है वो पुट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स है 5 -1 0 0 3 and 1 इनटू ए एंड इक्वल टू 3 -7 0 0 7 and 2, इसको भी सेम इसी तरह करेंगे। इसमें ए मैट्रिक्स फाइंड करना है, पहले हमने एक्स करना था, तो अगर आप इसे ए को भी लेट कर दें, ए को हम इस तरह लेट कर देते हैं कि ये ए बी सी डी ई एफ इसके इक्वल है, तो इसकी प्लेस पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे 5 को ए से 5 ए फिर माइनस सी प्लस सी, तो बाद में अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये सेम इसी तरह आ जाएगा। इसमें ज़्यादा इसको अगर हम इजी वे में लिखना चाह रहे हैं तो दूसरा एलिमेंट 0 0 के इक्वल है, तो जब 0 0 के इक्वल है तो अगर हम इसमें सी और डी ना भी ऐड करें, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसकी प्लेस में अगर मैं सिर्फ ए बी सी डी ही लिख देता हूँ, क्योंकि ये दो एलिमेंट तो 0 0 के इक्वल आ रहे हैं तो उसका आंसर 0 ही आएगा। अगर मैं इसको इसी के इक्वल रहने देता हूँ, बाकी 3 -7 0 0 7 2 लिख देता हूँ। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे, पहले 5 को ए के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 5 ए फिर माइनस सी आ जाएगा, इसी तरह 0 को ए के साथ, 0 को सी के साथ, 3 को 1 को साथ, तो इस तरह ये हमारे पास 4 इक्वेशन यहाँ पे बनेंगी। तो जब 4 इक्वेशन बनेंगी तो उसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए बी सी डी की सेम वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में जो हमने प्रूव करने हैं, 14 क्वेश्चन ये है, हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि आर कोस 5 0 -sin 5 0 r 0 r sin 5 0 cos 5 मल्टीप्लाई cos 5 0 sin 5 0 1 0 माइनस r sin 5 0 r cos 5 किसके इक्वल है, r i3 के। i3 क्या है, i3 है कि ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम हो, यानी i3 इसके इक्वल आना चाहिए जब हम प्रूव करेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये है i3, यानी इसको मल्टीप्लाई करने से आर आई थ्री आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई के लिए हमें पता है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मैं कोस को कोस से मल्टीप्लाई करूंगा तो आर कोस स्क्वायर फाई आएगा, फिर आर कोस को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा, आर कोस को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस आ जाएगा, आर को आर से मल्टीप्लाई करूँ तो आर स्क्वायर आ जाएगा, और अगर मैं कोस को साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये कोस फाई साइन फाई आ जाएगा, यानी फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी तरह फर्स्ट कॉलम को सेकंड रो से मल्टीप्लाई करूँगा, पहले मैं मल्टीप्लाई करूँगा आर कोस फाई को 0 के साथ, 0 आएगा, 0 को 1 से करूँगा 0 आएगा, 0 आएगा, फिर इसी को मैं थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जब आर कोस फाई है और साइन फाई है तो ये बनेगा आर कोस फाई साइन फाई, फिर 0 से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 0 आएगा, और जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आर कोस फाई और साइन फाई। फर्स्ट रो को मैंने तीनों के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या करूंगा सेकंड रो को तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने, तो जब मैं 0 को 0 से करूंगा 0 प्लस 0
प्लस 0। अब इसी तरह जब इसको करूंगा, पहले 0 को 0 के साथ 0, r को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा r, प्लस 0, फिर 0 को 0 के साथ 0, r को 0 के साथ 0, और 0 को 0 के साथ 0। फिर जब थर्ड रो को तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, जब थर्ड रो को करेंगे तो पहला आएगा r cos phi और sin phi। सेम इसी तरह जब हम इसको इससे करेंगे, 0 को 0 के साथ प्लस 0 आएगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस r cos phi और sin phi। देन इसको अगर हम सेकंड से मल्टीप्लाई करें, r sin phi को 0 से करें 0 आएगा, 0 को 1 से करें 0 आएगा, cos phi को 0 से करें 0 आएगा, फिर r sin को r sin से मल्टीप्लाई करेंगे तो r sin स्क्वायर phi आ जाएगा, फिर अगर हम 0 को 0 से करें प्लस 0 आएगा, cos phi को अगर हम cos से करें तो प्लस r sin स्क्वायर phi आ जाएगा। यानी ये दो मैट्रिक्स थे हमारे पास, एक तो r cos phi 0 minus sin phi 0 r 0 r sin phi 0 cos phi 0 sin phi 0 1 0 minus r sin phi 0 r cos phi। तो इसको अगर हमने करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया है, r cos phi को r cos phi से किया तो r cos square phi आ गया, फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, फिर माइनस साइन को इससे मल्टीप्लाई किया है, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई आएगा। साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन स्क्वायर आ रहा है। तो बाकी अगर हमने क्या किया, फिर इसी को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया है, जब सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया, थर्ड के साथ किया ये आ गया। अब ये देखें कि अगर इसमें से अगर हम चीज़ कॉमन ले लें, r यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, सेम हमारे पास r है दोनों में, तो अगर मैं यहाँ से r को कॉमन ले रहा हूँ तो बाकी मेरे पास क्या आ रहा है, cos square plus sin square। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का एक रूल है, cos square phi plus sin square phi, ये मैं कॉमन लिख लिया है। जब इधर देख रहे हैं तो ये जीरो ही आ रहा है, जब इधर देख रहा हूँ तो ये देखें r cos phi sin phi minus r cos phi sin phi, ये आपस में कैंसिल हो गए। जब कैंसिल हो गए तो बाकी क्या बचा है, जीरो बचा है। इधर देखें इसमें भी अगर मैं देखूं तो ये आपस में कैंसल है, क्योंकि ये प्लस का आर कोस फाई साइन फाई है, कोई माइनस का आर कोस फाई साइन फाई है, तो ये भी क्या आ रहा है, सेकंड अगर मैं देखें तो ये भी जीरो है, ये आर है, ये जीरो है। तो जब इसमें देखें थर्ड वाले कॉलम में, ये इसे कैंसिल हो गया, बाकी जीरो बचे, जीरो आर है, और इसमें भी अगर मैं आर कॉमन ले लूँ तो बाकी क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर फाई प्लस cos square phi। अब अगर हम ये चीज देखें, अगर cos square phi plus sin square phi, ये इसमें मैथ में ये इसका रूल है कि जब हम cos square plus sin square करते हैं, ये नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 में जाकर इसको डिटेल में भी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, कि जो cos square phi plus sin square phi ये ऑलवेज इक्वल टू 1, cos square plus sin square 1 के इक्वल होता है, तो जब ये 1 के इक्वल है तो इसको प्लेस में हम 1 लिख देंगे, बाकी क्या आ रहा है, r 0 0 0 r 0 0 0, ये भी sin square plus cos square 1 के इक्वल आ जाएगा, बाकी क्या आएगा r। अगर मैं इसमें से r कॉमन ले लूं, अगर मैं r कॉमन ले रहा हूं तो बाकी क्या बच रहा है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये देखें कि पहले जो है इसमें से r है और बाकी ये क्या बन गया, 1 0 0 1 0, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है i3 का, यानी 3 रोज 3 कॉलम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसको मैं i3 लिख सकता हूँ। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि जो इसको मल्टीप्लाई करने से r i3 आए।